ह्यूमन माइंड शांत होना बहुत जरूरी है। हम दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ब्रेन पूरे दिन एक्टिव रहता है, न्यूरॉन्स में एक्टिविटीज होती रहती है, केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। हम रात में जब सोते हैं सपने देखते हैं, रात में ही ब्रेन एक्टिव है, और जितने ज्यादा हम सपने देखते हैं, जितना ज्यादा हमें सपने याद रहते हैं, इसका मतलब हम ठीक से सोए नहीं हैं, हमारी स्लीप पीसफुल नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने सपने देखे, हम सो रहे हैं बहुत अच्छी तरह, लेकिन नहीं, ये अटेंटफुल स्लीप नहीं है। एक अटेंटफुल स्लीप होने का मतलब है कि आप सो रहे हैं और आप सोकर रात में आप सोए और सुबह तुरंत आप उठ गए, बीच का गैप आपको मालूम नहीं पड़ा। लेकिन बीच के जो गैप में अगर आप सोए हुए हैं और सोने के दौरान आपको एक टाइमिंग फील हो रही है कि देखो मैं काफी देर बाद उठा हूं, सपने देखते रहे और उठे हो, तो हो सकता है कोई ऐसा सपना हो जो उठकर आप बैठ गए हो और उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका ब्रेन रात में भी एक्टिव था। ये ब्रेन शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्रेन का पीसफुल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगा, क्योंकि दिन में हमारी जो भी एक्टिविटीज होती है, सेल्फिश एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, क्लेवर रहते हैं हम दिन भर, चलाक रहते हैं, होड़ में, कंपटीशन में, ऑपरेशन सप्रेशन में भागते रहते हैं, रेट रेस चलती रहती है, इसको धक्का देना, उसको धक्का देना, ये रिएक्शन, वो रिप्लाई करना, पास्ट की चीजें सोचना, फ्यूचर के बारे में इधर उधर की दिमाग लड़ाते रहना, यहाँ पर ये प्लानिंग करना, वो प्लानिंग करना, ये सारी की सारी चीजें क्योंकि चलती रहती हैं, तो फिर रात में हमें उतने ही ज्यादा सपने आते हैं, और सपने आ रहे हैं तो इसका मतलब फिर हमारी जो स्लीप है वो पीसफुल नहीं है, हम शांत नहीं है अभी भी। और जो ब्रेन शांत नहीं है वो ब्रेन तो 100% कंफ्लिक्ट में होगा, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी इसी में वेस्ट हो रही है, वो दिन भर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, वो ब्रेन, वो ह्यूमन माइंड, और रात में भी वो उस चीज को जो वो दिन में पूरा नहीं कर पा रहा है, सपने उसको उस हिसाब से आ रहे हैं, यानी कि ब्रेन जो है वो ऑर्डर में नहीं है, पूरी तरह से वो ऑर्डर में नहीं है, वो डिसऑर्डर में अभी भी। रात में वो ऑर्डर खोजने की कोशिश करता है, रात इसलिए बनाई हुई है ताकि आप शांति से सो सके, क्योंकि आपने दिन के काम को पूरी अटेंशन के साथ नहीं किया, क्योंकि आपने जो आपका दिन में जो वर्क था उस वर्क को माइंडफुली नहीं किया, तो ब्रेन उसको रात में करने की कोशिश करता है, भले ही वो इमेजिनेशन में करे। इसीलिए आपके अंदर अगर कोई भी थॉट प्रोवोक हो रहा है, या फिर आप एक्चुअल में किसी भी चीज को पैशनेट है और आप उसको सप्रेस कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब अपने अंदर अशांति क्रिएट कर रहे हैं, और वो अशांति, आप ये मत सोचना कि आप उस अशांति से भाग जाओगे, नहीं, वो अशांति आपके साथ चलती रहेगी, दिन रात आपके साथ रहेगी, और एक टाइम हो सकता है ऐसा आए कि वो वायलेंस, एग्रेशन या एंगर की फॉर्म में आपसे निकले। तो इसीलिए ब्रेन का शांत होना बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी ब्रेन का शांत होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्रेन जब तक शांत नहीं होगा, वो फिर हायर चीजों को, या फिर हम कहें सूक्ष्म चीजों को कैसे समझ पाएगा, कैसे देख पाएगा, वो इन मटेरियल्स में ही उलझा रहेगा, वो मैकेनिकल हो जाएगा, वो जैविक नहीं रह पाएगा, फिर वो ऑर्गेनिक नेचुरल नहीं रह पाएगा, वो रोबोटिक हो जाएगा, फिर कोई भी कमांड आपसे कही जा रही है आप उसको आंख बंद करके बिलीव कर लेंगे और उसकी ओर चलने लगेंगे, आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, एक मीडियोकर लाइफ जी जाएंगे, फिर आप हो सकता है ये कहें कि जिंदगी कितनी बेकार है, लेकिन लाइफ का नेक्टर आप तभी चख पाएंगे जब आप शांति में रहेंगे, जब आप शांत रहेंगे, जब आप पीसफुल रहेंगे। यस, आप पूरे दिन जब अपने इस कंफ्लिक्ट को देख रहे हैं, आप सोए हुए नहीं है, दिन में जो काम कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, एंगर को, फीलिंग को, अपने इनर वर्ल्ड को आप देख रहे हैं, बाहर के वर्ल्ड को देख रहे हो, जो कि आपका इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है, तो रात में हो सकता है आपका ब्रेन एक ऑर्डर में जाए, क्योंकि आपने दिन भर एक्टिवली काम किया है, आप चीजों से भागे नहीं हैं। अब जब आप रात में पूरी तरह से
एक्टिव होकर, क्योंकि आपने दिन में काम किया है, तो आपका ब्रेन अब एनालिसिस नहीं करेगा, कंक्लूजन नहीं निकालेगा, वो एक ऑर्डर में ऑटोमेटिकली शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आप सेल्फिश एक्टिविटीज में नहीं थे, आप सेल्फिश एक्टिविटी जो आपकी चल रही थी, यस ह्यूमन फैक्ट है, वो सारी चीजें होती है इंटेलेक्चुअल, लेकिन उसके ऊपर आप उस चीज को देख रहे थे, जो देखने वाला है वो सेल्फिश नहीं होता, ना ही वो थिंकर होता, ना ही वो ऑब्जर्वर होता, देखने वाला तो जस्ट देखने वाला होता है, क्योंकि रात में भी अब वो देखने वाला रहेगा। तो फिर एक ऑर्डर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये ऑर्डर हमें पीस की तरफ, शांति की ओर ले जाएगा। और जैसे ही जैसे ब्रेन शांत होना स्टार्ट होगा, बाहर के शोर से, अंदर के शोर से, तो शायद ये लाइफ के नेक्टर को चख पाए और उस चीज को जान पाए जिस चीज के लिए ये जन्म जन्मांतर तक भटक रहा है, इफ यू बिलीव ऑन इट। और इफ यू डोंट बिलीव इन इट, अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते, तो पीस तो सबको चाहिए, शांति तो सबको चाहिए। आप सब कुछ इतने एफर्ट्स इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप शांत होना चाहते हैं। आपकी जो हजारों सालों से, जन्म जन्मांतर से जो आपकी कंडीशनिंग बनी हुई है, जो संस्कार बने हुए हैं, वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं जब आप शांत होना स्टार्ट होते हैं। और शांति आती है ध्यान से, मेडिटेशन से। और मैं बिल्कुल उस मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा जो आप रूटीन या प्रैक्टिस की फॉर्म में करते हैं कि भाई सुबह शाम कर लिए घंटे आधे घंटे, चलो भाई। मैं मेडिटेशन की बात कर रहा हूं जिसमें आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, इस टाइम भी जिसमें आप एक्टिव हैं, जिसमें कंफ्लिक्ट, विवाद, चीजें, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और अपने यहाँ पे रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं, बल्कि रिजॉल्व जो हो रही हैं और जो प्रॉब्लम है वो भी मेडिटेशन का ही हिस्सा है। क्या आप इस तरह की मेडिटेशन और इस तरह का रियल अध्यात्म जानना चाहते हैं एक्चुअल में, सीरियसली, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम में, जिसमें मैं आपके साथ डेली मेडिटेशन करता हूँ। डेली आपको मेडिटेशन वीडियो मिलेगी, सत्संग की गाइडेड मेडिटेशन वीडियो मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए मिलती ही रहेगी। और उससे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर भी करवाऊंगा, थ्योरेटिकल पार्ट भी होगा। तो आप इस कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम को, जो कि लाइफ टाइम तक चलेगा, ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जाइए और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।